आज ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद छात्रों में काफ़ी खुशी का माहौल है। ऐसे में सेंट मैरी विद्यालय के 10वीं के छात्रों के बारे में जानने का प्रयास किया तो यहां पर कुल 34 छात्र 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे। वहीं अभिनव सिंह जिसने 99% मार्क लाकर जनपद में संभवतः प्रथम स्थान लाया है। ऐसे में अभिनव सिंह से बात की गई तो उसने बताया कि वह मेडिकल लाइन में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा उसने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छी रही है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छी रही है। कितने परसेंट मार्क्स आया? 99% है। 99% मार्क्स आया, 1% कम कैसे रह गया? अब सर अब वो पूरा नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि 99% ही लाना है या कुछ कम बेसी भी हो सकते हैं? नहीं सर, एक्चुअली स्टार्टिंग के इस सेशन के स्टार्टिंग में सिस्टर ने एक बार पूछा था स्टेज पे, तो मैंने कहा था 99%, तो वो तो दिमाग में था जी। ऐसे में आप 99% पा गए, अब आगे की क्या क्या प्लान है आपके? सर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं और मुझे नीट क्लियर करना है आगे। 99% पाने पर आप इसका श्रेय किसको देंगे और किस तरह से आपने तैयारियां की थी? मैं अपने टीचर्स, अपने माता पिता को अपना श्रेय दूंगा और सिस्टर को ऑफ कोर्स, क्योंकि इन लोगों ने मुझे सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, सारा कुछ दिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। और दूसरी चीज ये, मतलब यहाँ 99% पाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया था, मतलब कैसे मतलब यहाँ तक पहुँच पाए? मतलब रोज जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करना जरूरी होता है और एग्जाम से पहले एक टाइम टेबल मैंने बनाया था उसके हिसाब से। आप अपने अन्य साथियों के लिए जो भी आपके पीछे वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे जिसे आपने 99% पा लिया, वो कैसे 99% पाए, उनके लिए क्या टिप्स देंगे? वो सब अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं इसलिए वो पास हुए। पहली बात, आपने 99 पा लिया है, वो पाने वाले हैं, तो कुछ तो टिप्स देना चाहिए। बस उन्हें लगन से पढ़ रहे हैं और लगन से पढ़ेंगे तो और अच्छा करेंगे, लेकिन सब नहीं मेहनत की है, सबको इसलिए जाना चाहिए। नाम बता देना। एकता। आपका बेटा 99% लाया है, क्या आपने सोचा था कि इतना लाभ पाएगा या कुछ? नहीं, मुझे विश्वास था कि वो लाएगा, उसकी मेहनत जो है देख करके लगता था लगन से कि वो करेगा, अच्छा करेगा। आज 99% ला दिया है, आगे आप लोग इनके इसमें भविष्य को लेकर क्या प्लान आप लोगों ने किया है? अब वो उन्हीं के ऊपर है, वो जो करना चाहे हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे उसका, और वो जो करना चाहे हम लोग उसके साथ करेंगे जो भी करना है। जो ICSE बोर्ड का रिजल्ट आया है, ऐसे में आपके विद्यालय की क्या स्थिति रही है? बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, 34 बच्चों ने 90 से ऊपर परसेंटेजेस लाए हैं और सबसे पहला 99%। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के उपलब्धि से। 99% जिन बच्चों ने लाया है, क्या आप लोगों ने सोचा था, जिसे हमेशा उन बच्चों से मिलती भी रही होंगी, तो क्या क्या आपने सोचा था कि नहीं ये 99% तक ला सकते हैं या कुछ कम बेसी ला सकते थे? बच्चे ला सकते थे, उतने होने हार है और ये बैच हमारा बहुत अच्छा बैच है। तो 99% लाने का मतलब है कहीं ना कहीं उसका जनपद में या स्टेट में उनका कोई रैंकिंग होगा, क्या लगता है आप लोग के हिसाब से उनकी क्या रैंकिंग होनी चाहिए? उनकी रैंकिंग सिटी में तो नंबर 1 होनी चाहिए और स्टेट लेवल में तो हम पता लगाएंगे ICSE बोर्ड के द्वारा कि उनकी रैंकिंग क्या हो सकता है।